मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के धोती हूँ कि भाई ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर हमने अपने हाथों से बनाकर अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को नहीं खिलाया तो भाई मुझे तो तसल्ली नहीं होती है, आपको होती है तो मुझे पता नहीं। मुझे अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो लोग आपसे पढ़ना भी चाहते हैं। मैं बच्चों के साथ टाइम टू टाइम हंसी मजाक भी करती हूँ, खेलती भी हूँ, उन्हें पढ़ाती भी हूँ, और मेरा जो पर्पज़ होता है हमेशा होता है स्टडी विद फन। अगर आप टीचर हो सिर्फ इसलिए ताकि आप अच्छे पैसे कमा सको, आप उन्हें इतना प्यार दोगे ना, वो रिटर्न में आपको इतना लौटाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। सबसे पहले तो उन सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू सो मच जो पिछले कुछ दिनों में जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, बड़े बड़े चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत आसान बात होती है, हर कोई करता है, बट छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। सो उन लोगों को बहुत सारा दिल से धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। उसके बाद अब उनको धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया था, जिसकी वजह से आज का मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे एग्जैक्टली उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, मैं कमेंट ढूंढूंगी और उसके बाद उस कमेंट को यहाँ नीचे लगाऊंगी, तो आप लोग देखना उनका नाम क्या है। तो मुझे कमेंट आया था कि टीचिंग प्रोफेशन मैंने क्यों चूज़ किया, या फिर मुझे बच्चों के साथ क्या उलझन नहीं होती है। उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन किया था कि भाई घर में दो बच्चे संभालना मुश्किल हो जाता है, टीचिंग में इतने सारे बच्चे आप कैसे हैंडल कर लेते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको रिप्लाई दे दूँ कि ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि इसका जवाब देने में भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। टीचिंग प्रोफेशन मैंने चूज किया बिकॉज मुझे यहाँ से दिल से ये फीलिंग आती है क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और बच्चे जो होते हैं ना वो सच में दिल के सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन्हें इतना प्यार दोगे ना, वो रिटर्न में आपको इतना लौटाते हैं। अच्छी सी बात दूं मैं आपको कि उनके अंदर ना वो सब चीज़ें नहीं होती हैं कि आप क्या करते हो, कितना कमाते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, नहीं। वो बस पढ़ते हैं, और अगर आपने पढ़ाया, उनको समझ में आ गया, वो खुश हो जाते हैं, आपके साथ टाइम बिता के बहुत खुश हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, टीचिंग जो होती है ना उसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो अगर इस जॉब को सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, अगर आप टीचर हो सिर्फ इसलिए ताकि आप अच्छे पैसे कमा सको, तो जब आप पढ़ा कर लौटोगे ना दोपहर को शाम को स्कूल से, तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, आपको सर में दर्द होगा, अरे यार बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, बच्चे बहुत चिल्लाते, ऐसा लगेगा बच्चे कितने सवाल पूछते हैं, स्कूल में कितना काम करना होता है। बट अगर आप टीचिंग पैसे के लिए नहीं, शौक से कर रहे हो, बच्चों से आप प्यार करते हो, बच्चों को सिखाना चाहते हो, इसलिए कर रहे हो, तो आपको सर में दर्द नहीं होगा। आप वहाँ जाओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बच्चों के साथ टाइम टू टाइम हंसी मजाक भी करती हूँ, खेलती भी हूँ, उन्हें पढ़ाती भी हूँ, और मेरा जो पर्पज़ होता है हमेशा होता है स्टडी विद फन। मैं हमेशा उन्हें मस्ती करते करते पढ़ाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं उनके साथ लर्न करती हूँ, बहुत सारी चीज़ जो मैं भूल गई वो भी मैं रिपीट हो जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और अगर मैं उसे सॉल्व कर दूँ और बच्चों के चेहरे पे जो स्माइल दिखती है प्यारी सी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यही सारे रीजंस हैं कि मैंने इस प्रोफेशन को चूज़ किया और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो लोग भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर, उन्हें पता होगा कि मेरे हस्बैंड हमें से रिटायर्ड हैं, और सही बताया उनका रिटायरमेंट उन्होंने बिफोर टाइम लिया, और इसका मेन पर्पज़ यही था कि वो पढ़ाना चाहते थे। बिकॉज जब वो 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में थे तब से वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, 2 से 3 साल उन्होंने पढ़ाया, उसे छोड़ करके आर्मी ज्वाइन कर लिया। तो उनके मन में ना एक चीज़ रह गई थी कि मुझे ना टीचिंग में जाना है, मुझे सर बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, एक टीचर बनना। सो फ्रेंड्स, उन्होंने आर्मी छोड़ने के बाद टीचिंग प्रोफेशन में पूरा अपना 100% दिया। और कहते हैं ना, अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो लोग आपसे पढ़ना भी चाहते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते हो, सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो, तो बच्चे आपसे पढ़ना भी नहीं चाहते। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और वो समझ जाते हैं कि कौन सा टीचर उनके साथ टाइम पास कर रहा है, कौन सा टीचर उन्हें दिल से पढ़ाना चाहता है। मेरे स्कूल का एक एक बच्चा, छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक, एक एक बच्चा पर्सनली मुझसे जुड़ा हुआ है, और इसी चीज़ की सबसे बड़ी मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बच्चे अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, और जैसे ही मैं उसे सॉल्व कर देती हूँ, वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतना उनके फेस पर ना बहुत प्यारी से स्माइल दिखती है। वही सेम चीज़ होती है टीचिंग में भी, जब मैं उन्हें कोई चीज़ समझाती हूँ, उन्हें समझ में आ जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे सब्जेक्ट में बच्चे मार्क्स बहुत अच्छे लाते हैं, बिकॉज वो कहते हैं मैम हमें चैप्टर इतना अच्छा आप समझा देती हूँ, इतनी अच्छी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपनी तारीफ खुद से कर रही हूँ, नहीं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें मैं सच बता रही हूँ। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके भी मम्मी पापा मुझे जानते हैं, तो वो लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे कि मैं बच्चों को हमेशा दिल से पढ़ाती हूँ। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ाई खुद से करना अच्छा नहीं होता, बट मैंने जो कुछ बताया आपको एकदम सच बताया है। तो ये तो हमारा मेन रीज़न था टीचिंग में आने का, मेरा भी, मेरे हस्बैंड का भी, साथ ही साथ हमारे जो एक्स्ट्रा आते हैं स्कूल के बाद भी, जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो भी बहुत सेटिस्फाई रहते हैं, और मैं पढ़ाती हूँ।
एक बात और कि जो टीचर होता है ना वो हमेशा सिर्फ एक लालच में ही बच्चों को पढ़ाता है। देखिए जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो तरीके के टीचर होते हैं, एक जो पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, एक जो शौक से करते हैं। तो अगर आप शौक से कर रहे हो तो एक अंदर सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि अगर आपका पढ़ाया हुआ बच्चा या फिर बच्ची कुछ भी बन जाता है, उसके अच्छे नंबर आ रहे तो भी आपको खुशी हो रही है, वो क्लास में टॉप करता है तो भी आपको खुशी होती है, एज वेल एज अगर वो कुछ बन जाता है कल को आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, तो वो इतनी बड़ी खुशी होती है जैसे हमारा बच्चा कहीं लग जाएगा हमें खुशी होगी ना, सेम वही चीज़ कि अगर आपका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी अच्छी जॉब में चला जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी। तो मेरा तो वही सजेशन है भाई हर किसी से, जो भी हाउस वाइफ है ना, पॉसिबल हो तो घर में आप सिर्फ दो बच्चों को ही ट्यूशन पढ़ाइए, पर ज़रूर पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना, विद्या बांटना जो होता है ना, सबसे पुण्य का काम होता है। अगर आप किसी को पढ़ा सकते हो तो उससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। आप बड़ी क्लास को नहीं पढ़ा सकते, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, नर्सरी पीजी के बच्चों को आप पढ़ाइए, पर पढ़ाइए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, फ्री रहती है, तो शाम को एक घंटा ही दीजिए टीचिंग को, पर दीजिए। इससे दो चीज़ें होंगी, पहला आपको अपना बचपन हर रोज़ याद आएगा, पढ़ाते पढ़ाते आप हर वो चीज़ दोबारा पढ़ेंगी जो आपने कई साल पहले छोड़ दिया। दूसरी कि आपके पढ़ाने से अगर बच्चा पढ़ जाता है तो उसके माता पिता और आपके आसपास के लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्ट नज़र से देखेंगे। टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर लोग आपके पैर छूते हैं। इसके अलावा बड़ी से बड़ी नौकरी में आप चले जाओ, कोई बैंक में जॉब करता है, वहाँ जाकर पैर नहीं छूते हो आप, सीधे बोलोगे गुड मॉर्निंग सर, ये काम था वो काम था। अब फ्रेंड्स जो दूसरी बात थी, जैसे कि मुझे जो कमेंट में लिखा जाता है कि आप टीचर हो तो घर कैसे मैनेज करते होंगे, तो भाई मैं पूरा घर खुद से मैनेज करती हूँ, अपने बच्चों को, अपनी पूरी फैमिली को मैं खुद से मैनेज करती हूँ। मेरे घर में कोई भी मेड नहीं है, मैं सारे काम अपने खुद से करती हूँ। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। जैसे बहुत सारे लोगों के घर में क्या होता है, कुकिंग करने के लिए कोई ना कोई आता है। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर हमने अपने हाथों से बनाकर अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को नहीं खिलाया तो भाई मुझे तो तसल्ली नहीं होती है, आपको होती है तो मुझे पता नहीं, मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं खाना जब तक मेरे अंदर शरीर में जान है तब तक मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और अपने हाथों से ही खिलाऊंगी, एज वेल एज मैं अपने घर के सारे काम भी खुद मैनेज करती हूँ और मुझे उसमें बहुत खुशी होती है, मुझे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, सारी चीज़ें हो जाती है। बस मैंने कहा ना, एक बार आपको यहाँ से और यहाँ से सोचना है ये काम मुझे करना है, आप कर लोगे। और हाँ, एक सजेशन मेरा और भी है सारी हाउसवाइफ के लिए, अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप घर के दिन भर नॉनस्टॉप काम करते हो, बहुत सारे काम करते हो, दो तरीके हैं। एक उसमें भी अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि क्या मैं घर की नौकरानी हूँ जो मैं दिन भर काम करती रहूँ, तो आपको उस काम में हमेशा चिक चिक लगेगा, हमेशा गुस्सा आएगा, आपको बहुत बर्डन लगेगा, घर वाले मुझसे क्यों काम करा रहे हैं, मैं झाड़ू क्यों करूँ, मैं पोछा क्यों करूँ, मैं बर्तन क्यों करूँ, और वो हमेशा लड़ाई की वजह बनता है। आप घर का काम तो ढंग से कर नहीं पाओगे, एज वेल एज सबसे रिश्ते भी आपके खराब हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, अगर आप ये सोच कर रहे हो कि मेरा घर है, अगर आप घर को सुंदर करते हो, साफ करते हो, आपके घर का जो लुक होता है ना, अगर वो मंदिर जैसा लग रहा हो तो कैसा फील आता है। अगर आप घर को साफ कर रहे हो फिर अपने घर को आप चारों तरफ से देख रहे हो, ओ माई गॉड ये मेरा घर है, इतना सुंदर घर है, आपको हर चीज एक एक चीज सजाने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर अपना किचन आप साफ करते हो आपको ये फील आता है कि यहाँ पर मैं वो खाना बनाती हूँ जो मेरे बच्चे मेरे परिवार के लोग खाते हैं, तो मुझे यहाँ पर इतनी सफाई रखनी है कि कहीं से कोई गंदगी ना हो, खाने में किसी भी तरीके से कोई बैक्टीरिया ना आ जाए, तो आप ना दिल से सफाई करोगे। कुछ भी काम होता है हम अपने बच्चों के ही तो बर्तन धोते हैं, अपने हस्बैंड के ही तो बर्तन धोते हैं, उन्हीं के तो हम कपड़े धोते हैं, तो हमें नफरत किस बात की है। अगर उसी काम को आप दिल से करोगे ना, आपको कभी नहीं बुरा लगेगा, बहुत प्यार महसूस होगा। मैं अपने बच्चों के कपड़े जब धुलती हूँ ना तो कभी चिल्ला के नहीं धुलती कि अरे मुझे क्यों धुलना है, नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो टेंशन लेके कपड़े धुलते हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के धोती हूँ कि भाई ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी करना है। अपने परिवार से दिल से प्यार कीजिए तो आपको घर के सारे काम ना बहुत प्यारे लगेंगे। बाकी तो ठीक है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, टेंशन होता है, मैं सारी चीज़ें मानती हूँ, लेकिन बस वो जो दूसरा वाला साइड है वहाँ पर ना जा करके अपना समझिए, मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे पति के कपड़े, उन्हीं के बर्तन है, उन्हीं का पूरा कमरा है, तो मैं जितना हो सके उतना ऐसे सुंदर रखूंगी। सो फ्रेंड्स आई नो कि आज बहुत सारा ज्ञान हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि कितना बोल रही हूँ या फिर ये सब रियल में पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, एक बार आप दिल से करके देखिए। अगर आप अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से दिल से प्यार करते हो तो आपको इन सारे कामों से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये सारा हमारा कर्म है। और आपने ये सुना ही होगा, कर्म ही हमारी पूजा है। अगर आप भगवान की पूजा सिर्फ 2 मिनट कर पाते हो, जैसे कई बार मेरे साथ होता है, कई बार ऐसा होता है सिर्फ मैं धूपबत्ती दिखा पाती हूँ और मेरे स्कूल का टाइम हो जाता है, मैं भाग जाती हूँ, ज़्यादा देर तक पूजा नहीं कर पाती, आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो ऊपर वाला भी खुश होता है। जिस चीज़ के लिए हम धरती पर आए ना वो हमें सबसे पहले करना है,
आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग वूमेन है, कुछ भी है, अपनी फैमिली से खूब सारा प्यार कीजिए। जो भी काम करते हैं इसको ध्यान में रखे कीजिए कि ये काम मैं उनके लिए कर रही हूँ। कुकिंग कीजिए तो भी दिल से कीजिए कि मैं उनके लिए बना रही हूँ, तो आपको कभी भी हेडेक नहीं होगा। तो बस ये छोटा सा मेरा सजेशन है, पॉसिबल हो तो एक बार आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा। आई होप आपकी बहुत सारी टेंशन जो है खत्म हो जाएगी, आप लाइफ में बहुत सारा खुश होंगे। फीमेल के पास ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन होती है, सो फ्रेंड्स इतना हो सके उतना खुश रहिए ताकि आप बहुत लंबी जिंदगी जी सके और स्वस्थ जिंदगी जी सके। सो आज का वीडियो यहीं पर मैं फिनिश करती हूँ। थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मैंने गलत बोला हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और जो लाइन आपको पसंद आई हो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।